गैस मुझे कोविड नहीं होगा, I'm pretty sure. God forbid अगर हो भी जाए तो ये मिलेट्स हैं मेरे पास मुझे बचाने के लिए. मिलेट्स, आज की हमारी जो रेसिपी है वो है मिलेट फर्मेंटेड पॉरिज. पॉरिज इसे इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी में इसे खमीर कहते हैं और साउथ में इसे अम्बली कहते हैं. एंड पॉरिज खाने से गाइज बहुत अच्छा होता है बिकॉज इट कीप्स योर इम्यूनिटी एट इट्स बेस्ट. एंड एक डॉक्टर खादरवली करके, डॉक्टर खादरवली जी हमारे बहुत फेमस यूट्यूब पे एक डॉक्टर है हु इज नोन टू बी द मिलेट मैन ऑफ इंडिया एंड ही ऑलवेज एनकरेजेस पीपल टू हैव मिलेट पॉरिज. एंड ही सेज कि मिलेट आप हर अपने लाइफस्टाइल में बस ऐड कर दो, आपको कुछ भी नहीं होगा. एंड नॉट जस्ट हिम, इवन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज मेंशन्ड इन अ लॉट ऑफ देयर हेल्थ रिलेटेड आर्टिकल्स दैट इफ वी कंज्यूम पॉरिज ऑन अ डे टू डे बेसिस हमारी इम्यूनिटी बहुत अच्छी ग्रो हो सकती है और हम बहुत हेल्दी रह सकते हैं. एंड हेल्दी लाइफस्टाइल लीड करना इन दीज डायर टाइम्स इट्स रियली रियली इंपॉर्टेंट, इजंट इट? सो देयर आर अबाउट 10 टू 12 टाइप ऑफ मिलेट्स एंड जिसमें से द फेमस वंस आर रागी और नाचनी, जवार, बाजरा, जो हम सब जानते हैं. बट दो फाइव मिलेट्स विच हैव द हाइएस्ट अमाउंट ऑफ फाइबर, जो डॉक्टर खादरवली जी ने अपने सिरिधान्य मिलेट्स के नाम पे उन्होंने अपने ऑडियंस को बताने की कोशिश की है, दोस फाइव टाइप ऑफ मिलेट्स आर फॉक्सटेल मिलेट, लिटिल मिलेट, ग्राउंड टॉप मिलेट, बार्नयार्ड मिलेट एंड कोडो मिलेट. सो ये पांच टाइप के मिलेट्स ज्यादा स्पेशल इसीलिए होते हैं बिकॉज दे हैव द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ फाइबर. ऑब्वियसली ये जो जवार, बाजरा, ये सब जो है ये तो अच्छे होते ही है, बट दीज फाइव मिलेट्स, जो श्रीधान्य मिलेट्स जो डॉक्टर खादरवली जी ने कहा है, दीज मिलेट्स हैव द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ फाइबर, दैट इज वाई दे आर अ लिटिल मोर स्पेशल देन द अदर मिलेट्स. सो मिलेट पॉरिज बनाने के तीन स्टेप्स होते हैं. पहले हमें उसे सूख करना पड़ता है, देन वी हैव टू कुक इट एंड देन वी हैव टू फर्मेंट इट. हम मिलेट पॉरिज जो है हम मिलेट रवा, मिलेट राइस या हम मिलेट फ्लोर से बना सकते हैं. एंड फर्मेंटेड फूड प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन कीपिंग आर गट हेल्थ इंटैक्ट एंड स्ट्रॉन्ग. एंड गट हेल्थ इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू आर इम्यूनिटी सिस्टम. सो अगर हमारा गट हेल्थ अच्छा होगा सो ऑब्वियसली हमारी इम्यूनिटी सिस्टम अपने आप बेहतर होती जाएगी. एंड फर्मेंटेड पॉरिज जो होता है वो हमारी इम्यूनिटी सिस्टम को बहुत अच्छा रखता है. फिर उसके बाद विटामिन B12 एंड इट कीप्स आर डाइजेशन ऑन पॉइंट and it's basically very healthy and tasty yaar. and the most important thing, people who suffer from chronic diseases like diabetes, hypertension, cancer for that matter and arthritis, Dr. Khadarwali ji ye bhi kehte hain ki agar aap 6 to 8 weeks tak in every meal of the day, in all your three meals, agar aap millet porridge agar aap consume karenge to it helps you recover much more faster in a very natural way. And for the people who do not have any kind of diseases, if they consume millet porridge twice or thrice a week, their immunity system will be on point and they'll feel much more stronger and healthier and obviously they'll feel very confident. So bas main to khane wala hu because wo tasty bhi hai aur healthy bhi hai. Aur please guys, aap log apne doston ko khilaiye, family walon ko khilaiye, dushmanon tak ko khilaiye, because agar aap dushman ko khilayenge tab ja ke wo bhi strong rahenge, aap bhi strong rahenge aur aap acche se lad payenge na. To millet porridge aap sabko khilaiye guys, because health is wealth. And yes, millet porridge bhi hum log banate hain. Please guys, like, share, subscribe and comment on all our videos and subscribe to our channel and jo bell icon hai usko please usko aap बेल बटन दबा दीजिए सो दैट यू विल गेट नोटिफिकेशंस ऑन ऑल आवर न्यू वीडियोस एंड स्टे सेफ गाइस. एंड ये मिलेट पॉरिज आपको स्टे सेफ से तभी रखेगा जब आप रोज इसे कंज्यूम करेंगे. स्टे सेफ गाइस. इम्यूनिटी बूस्टर रेसिपी फर्मेंटेड ग्रुएल पॉरिज या हिंदी में खमीर या साउथ में अम्बली कहते हैं, ये बनाने के लिए हमने लिया है ये 1 कप ब्राउन टॉप मिलेट या हरी कंगनी. आप किसी भी श्रीधान्य मिलेट से पॉरिज या खमीर बना सकते हैं. हमने गैस ऑन कर लिया है, पैन में ये ब्राउन टॉप मिलेट डालेंगे और इसे धीमी आंच पे हम इसे ड्राई रोस्ट करेंगे. हमने इसे 2-3 मिनट तक लो फ्लेम में ड्राई रोस्ट कर लिया है और इसे हल्का सा ही क्रैकल की साउंड आते ही ये फ्राई हो गया है. गैस ऑफ कर देते हैं, इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे. ये ब्राउन टॉप मिलेट ठंडा हो गया है. हम पॉरिज इस रोस्ट किए हुए ब्राउन टॉप मिलेट से भी बना सकते हैं.
लेकिन हम इसे थोड़ा सा ड्राई ग्राइंड कर लेंगे, जिससे हमें थोड़ा सा ग्रेन्स भी मिले, थोड़ा रवा भी मिले और थोड़ा सा मिलेट का फ्लोर भी मिले। हमने ड्राई रोस्ट किए हुए ब्राउन टॉप मिलेट को 2 सेकेंड मिक्सी में चला लिया है और इसे कोर्सली ग्राइंड कर दिया है। इसमें ये ब्राउन टॉप मिलेट्स के ग्रेन्स हैं, रवा है और ये आटा भी इसमें है। इस ग्राइंड किए हुए मिलेट को हम स्ट्रेनर में डाल के धो लेंगे। हमने मिलेट्स को अच्छी तरह से धो लिया है, अब हम इसे ये बाउल में ट्रांसफर करेंगे। हमने 1 कप मिलेट लिया है, हम 8 से 10 ग्लास पानी डालेंगे और इसे सोक करने रख देंगे। हम ये कॉपर वेसल का पानी यूज कर रहे हैं, ये स्ट्रक्चर्ड वाटर है। हमने मिलेट्स को कॉपर वेसल के पानी में यानी स्ट्रक्चर्ड वाटर में हमने इसे सोक कर लिया है। हमने 8 कप पानी डाला है। हम इसे कवर कर लेंगे और 8 घंटे तक इसे सोक करने के लिए रख देंगे। 8 घंटे हो गए हैं, हम ये लिड हटा देते हैं। हमारा ये ब्राउन टॉप मिलेट अच्छी तरह से सोक हो गया है, अब हम इसे कुक करेंगे। हमने गैस ऑन कर दिया है और ये इस मिट्टी के बर्तन को हमने गैस पे रख दिया है। इसमें हम ये मिलेट से सोक किया हुआ पानी डालेंगे। पहले मिट्टी के बर्तन को खाली गैस पे रखना नहीं चाहिए, इसीलिए हम इमीडिएटली पानी डाल रहे हैं। ये 8 ग्लास पानी था, हम और 2 ग्लास पानी ऐड करेंगे, यानी 2 कप पानी। पानी बॉईल हो गया है, सिर्फ पानी बॉईल होने में 10 से 15 मिनट लगे हैं लो फ्लेम में। अब हम ये सोक्ड मिलेट ऐड करेंगे। ये सोक्ड मिलेट्स को हम धीमी आंच पे कुक करेंगे और बीच बीच में स्टर करते रहेंगे। हमने इसे कंटिन्यूस स्टर करते हुए बीच बीच में चेक करते हुए हमने कुक किया है 10-15 मिनट तक। हमारा ये मिलेट कुक हो गया है। मिट्टी के बर्तन में कुक करते समय हम या तो ये लकड़े का यूज करेंगे या ये मड का स्पून यूज करेंगे। गैस ऑफ कर देते हैं, इसे लिड से कवर कर देंगे और इसे ठंडा होने के लिए करीब आधा घंटे तक इसे ऐसे ही छोड़ देंगे। 30 मिनट्स के बाद हम ये लिड ओपन करेंगे। इसे हम एक कॉटन के कपड़े से इसे बांध देंगे। ऐसा करने से प्रोबायोटिक बैक्टीरिया, जो हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा है, ये सब इसमें डेवलप होंगे। इसे हम 8 घंटे तक फर्मेंट करने के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे, बाद में इसे हम चेक करेंगे। 8 घंटे हो गए हैं, जो हमने कपड़ा टाई किया था इसको खोल देंगे। हमारा ये मिलेट पॉरेज खमीर या अम्बली तैयार है, ये अच्छी तरह से फर्मेंट हो गया है। एक बार पॉरेज बनाने के बाद इसे गर्म नहीं करना चाहिए। अगर आपको इसमें
डालना हो तो आप इसमें नमक डाल सकते हैं, इसको गर्म करना है तो इसके अंदर गर्म पानी डाल के खा सकते हैं। इसे किसी के भी साथ सर्व कर सकते हैं, कोई भी सब्जी हो, सांभर हो, दाल हो, किसी के साथ भी हम इसे खा सकते हैं।